जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल व्लॉग। तो जिस जगह पे मैं हूँ, जिस पॉइंट पे मैं हूँ, वो है ज़िला मियांवाली, जो है उसकी तहसील पिपला। और जहाँ पे आप देख रहे हैं कि पीछे जो है ये, चूँकि ईद कुर्बान आ रही है तो उस हवाले से ये मंडी है। इसमें जो है वो जानवर नज़र आ रहे हैं आपको, भेड़े बकरियाँ और दीगर जानवर जो है। तो इसका मैं थोड़ा सा जायज़ा लेता हूँ रेट्स के हवाले से, और मैं जो है वो लोगों की व्यूज़ जो है आपके सामने पेश करूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और उसको आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। खान साहब कितने तशरीफ लाए हो? हम पिपला से। पिपला से हैं जी सर। तो अच्छा, ये क्या चीज़ बेचने आए हैं यहाँ पे? बकरे। बकरे बेचने आए हो? जी सर। अच्छा, किने बकरे ने? चार पाँच बकरे। अच्छा, चार पाँच बकरे, ठीक है। तो इन्हों का फिक्र रेट ही लगा? रेट फिलहाल को नहीं लगे लाला। अच्छा, काम पहले भी नहीं ये काम कर दे उसको? नहीं, पहले नहीं करें दे। हाँ। घर के बकरे हूँ की सूरत हाल नजर आ रही है? हालात जा रहे हैं? हालात बहुत खराब है। खराब है, लोग कह रहे हैं इतना पैसा हम नहीं भर सकते। अच्छा जी सर, हम जो बोलते हैं मतलब 40,000 का चीज़ है जी, वो जो बोलते हैं नहीं, ये 40,000 वाले दो हमको, 27-28 का दो हम बोलते हैं, इसमें नहीं मिलते। अच्छा, हम कम से कम साल, दो साल, अढ़ाई छह बकरे ने? बकरे बड़े बड़े। अच्छा बड़े, ये बकरे के कितने हैं? सस्ता है, 20,000 जी। एक कितने दे? ये हाँ जी। अच्छा, ये बड़ा बकरा है? हाँ जी। इसका 45,000। इसका कितना जी? 45। ये तो 45,000 जी जी, ठीक है। परले तो 45,000 है, परला तो दोनों भाई। अच्छा, ये 45,000 जी सर। ते फिर लोग की कहते हैं, तुसी तो 45,000 कहते हैं, क्योंकि इतनी है ना, हम कहते हैं 40-40 पर चला जाए। अच्छा, तो हमारा ये ख्वाहिश है, ठीक है जी। तो बस गाह आ जाते पर पैर चला जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये उम्मीद है हमारा। अच्छा, तो हम ये कहते हैं, हमने बड़ा मेहनत से बड़े किया ना जी जी। अच्छा, ये प्रॉब्लम है जी जी, सही है। बहुत गर्मी है। कितनी देर हो गई है तुसी मतलब ते खड़े हो? दो तीन घंटे से, इधर चार घंटे से खड़े। अच्छा, तो हम लोग अब तंग हो गए, घर चले जाए। अच्छा, इतना गर्मी है। एक की वजह है, वजह की है मेन जड़े रेट से ने, क्यों है अब डोले? कौन जिम्मेदार है? नहीं, ये तो व्यापारी है, असल जिम्मेदार कौन है ये जड़े मसाइल पैदा हुए? दान हुकूमत है सारा जिम्मेदार, जो महंगाई होगी। अच्छा, हाँ, की करिए सर, फिर तो की हाल है? अस्सलाम वालेकुम। किस जगह तो आयो? चांदनी चौक से जी। चांदनी चौक जी, हाँ। अच्छा, ये बकरे सारे थोड़े एक ही घर दिन या मुख्तलिफ? मेरे बकरे हैं। अच्छा, ये बकरा है जी, हाँ। ठीक है, तो इसका की रेट है? ये बकरा जो है कितने? 36,000 रुपया दोनों का? एक का, एक का। तो ये किन्ने, 14 महीने का या 1.5 साल का? ये 1.5 साल का। 1.5 साल जी, हाँ। अच्छा, 1.5 साल का, ठीक है। कितने का रेट लग रहे हैं? 27-28,000। 27-28,000 जी, हाँ। तुसी 36,000 मंग दे हो? जी हाँ। अच्छा, फाइनल 32 का देना है? फाइनल 32 जी, हाँ। ठीक है, तुसी अपनी जगह पे कह रहे हो भाई महंगाई ज्यादा, जो लैण वाला वही कहते महंगाई ज्यादा है जी, हाँ जी। ये फिर मतलब एक बड़ा मसला है? बड़ा मसला है जी, महंगाई तो है। ते फिर जो बैठे टैक्स भी लेंगे जी? हाँ, टैक्स मंडी का कितना है? टैक्स लेंदे पैना 150 बकरे का, 100-150 जो किराया भर के आते हो? वो तो अलग है, वो तो अलग है, ठीक है, सही। अच्छा, ये बकरियों के अलावा भी है मतलब एक गाय, भैंस, ऊंट? हाँ, है, ऊंट भी हैं, सब चीज़ है। ठीक है, बहुत मेहरबानी। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ किस्म के जो जानवर हैं मंडी के ऊपर, पिपला मंडी है, तहसील जो है ये मियांवाली की है, ज़िला मियांवाली इसकी तहसील पिपला। अस्सलाम वालेकुम भाई, परेशान नजर आ रहे हो कि बकरा नहीं बिक रहा? नहीं नहीं, ये कितने का बकरा जी? 18,000। अच्छा, कितने का लग चुका है? 18,000। अच्छा, तुम ज़्यादा देना चाहते हो? कितने का तुम? कितने देना? 19। अच्छा, ठीक ठीक है। कितों आया जनाब जी? मम्मू वाली। अच्छा, तो ये कितना है? कितना रेट लग चुका? अयो बतू आ 15 जोड़े लग जी। ये तो कितना? 15 का। अच्छा, तुसी कितने देने? 20,000 आ दिया। 20 जी। अच्छा, पहले तुसी माल बेचते रहंदे हो मंडी ते? अच्छा, हुन के थोन महसूस हो रहे के हालात ने? हालात बंदे लग हां जी,
गंदे लग रहे हैं। अच्छा गंदे हालात में। अच्छा ठीक है, मतलब है कि आवाम ये कितने रेट ज़्यादा लोग ला चुके हैं ला? घट रेट लग रहा पिए, सही रेट नहीं लग रहा। अच्छा सही, गर्मी भी बढ़िया है, गर्मी तीन है, सही रेट सही लग गया है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, करिए तो ठीक हो। अच्छा कितू तशीफ ले आए हो, कितू आए हो? टिब्बी तो। टिब्बी? अच्छा ये गांव तो कितने एक रेट लगा है ये गांव जी? अच्छा गांव का कितना रेट लगा है? कितना जी जी इस गांव का? कितना पुत्र? डेढ़ लाख नहीं, 1.5 लाख मंगते हो? तो वैसे लोग कितना आते हैं? 75। अच्छा इसका 1.75, ठीक है। वीडियो बना रही हूं खड़े-खड़े के गाल कर ते लोग कितना ला रहे हैं भाई? कितु आए उच्चो बोलो जी। टिपला ठीक है, केड़ी चीज बेचना आयो? अच्छा एक गांव, ठीक है। इस गांव का के रेट लग चुका है? एक गांव का रेट 1,10,000। 1,10,000 ये तुसी ये नहीं मांग रहे हो? ये रेट लग चुका है, तुसी कितना मांग रहे हो? 1,30,000। 1,30,000 यानी 20,000 का फर्क है, ठीक है। पंज वैसे फाइनल की है? फाइनल वी। अच्छा वी, ठीक है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है ते फिर रेट शुरू ते लेकिन जो जो दिन गुजरता वेना है रेट तो फिर सूरत हाल तब्दील होती वी ना वक्त के नाल नाल जी, ठीक है। ते ये इसते मतलब है कि जेड़ा तुसी खर्चा किया है इसते हैं मतलब एक खल वगैरह उस तो बाद चारा, ठीक है। वो अगर हिसाब लाया वजह तो क्या है रेट जड़ा है? ठीक है जी हैं, ठीक है। महंगाई है ना, चीज़ें महंगी ने हैं लेकिन वो फिर महंगाई एक बंदे वास्ते नहीं है ना, जो लैन वाला उस वास्ते महंगाई है जी। वो भी अपनी जगह पर आता है कि यार उसी अपनी बचत करनी, तुम भी अपनी बचत करनी, इसी तरह ना जी। भैया कितू आए हो? मियाँ। अच्छा ये गाँव, ये गाँव जी माशाल्लाह बड़ी है, रेट क्या लगा? 1,40,000। अच्छा तुसी किन्ने देनी है? 1,60,000। अच्छा ठीक है, बराबर शॉपिंग कर रहे हैं। ये भाई जाना वही पंद्रह जी। भाई की नाम है थोड़ा? मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम, अच्छा नईम साहब ये भैंस थोड़ी है, ये मतलब कितने रेट है इसका, कितने रेट पे बेचोगे? 1,70,000। 1,70,000। उम्र कितनी है? 24। चौकी ने वैसे दसो साल कितने दिए? त्रै साल। रेट तो लग कितना चुका है? 1,50,000। तुम कितना मंगते हो? 1,70,000। अच्छा क्या सूरत हाल है मंडी की, तुमके महसूस हो रहे हैं? मुश्किल हालात हैं? मुश्किल हालात। उस मुश्किल हालात की वजह कौन सी चीज़ है? महंगाई।
महंगाई, इस महंगाई किस तरह कंट्रोल की जा सकते थे, जिम्मेदार कौन है महंगाई कंट्रोल? हुक्मरान हैं। अच्छा, नहीं तो आवाम ही है नहीं। चलो हुक्मरान एक चीज़ महंगी करी दे ना, वो करी दिन फर्ज किया 20 रुपए, जो दुकानदार बैठना अपनी मर्जी ना 50-50, 60-60, 70-70, इसदा ही होना चाहिए ना साहब, जी होना चाहिए जी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम। बाबा जी कितों आयो? असा चांदनी चौक डेली ग्रास। अच्छा, ए तुसा केड़ी चीज थे वेचण आयो खुद? असा माल आंदा है, माल विका कोनी खले गर्मी दी वेजा तो कोई। अच्छा, माल केड़ी चीज रे? गाय भैंस या कोई? गाय गाय। अच्छा, के रेट लग रे? बस बस असा जेड़े भरा है उस तो 20,000 घटे। नहीं मतलब है के 1,20,000 भरे थे, 10 लगदा है, 10,000 घटा दे। अच्छा, गिन के खले आला मालूम। ये हालात के खराब हैं, हालात से गर्मी की वजह से दूध बीमारी है, गर्मी है, दूसरा बीमारी है ना माल पे, तो महंगाई भी है। नहीं महंगाई तो बहुत ज्यादा है। हां जी, ये शहबाज शरीफ ने दुआ करो शहबाज शरीफ आंदे ओ बुरा है, उस तो अगला आंदे पिछले सारे भाई। आखे ही नहीं, आखे नहीं भाई, इमरान गलत है। जी असा आखसो इमरान ठीक है, उसको ठीक इन्हा नहीं रहा देता। दुकानदार बैठा अपनी मर्जी 100 रुपए वधा दिंदा है, बहाना करने जो हुक्मरान इस तरह कर रहे हैं, आवाम नु सलाह करनी चाहिए ना। इस वास्ते मेरे ख्याल सारे गुनाह आई हैं, बाकी तो ठीक गल कर रहे हो। समझो वही विचार लग गई। अल्लाह पाक दिहाड़े निप दे पाए ने बैठे का बड़ा बंदे व्यापारियों ने ना जी जी काफी रेट के चाय जो कर उन्हें अपनी मूड़ी नहीं वापस आ रही। ये तो समझ, ये असल 25,000 का बीता हूं, ये तो मूल लगता है 23,000 होता तो दो हाथों खड़े हैं दाई बोल तो वाकई घट गए रेट। 25 की खरीद की सर करेंदा है 100 रुपए पहले से गर्मी की वजह से फिलहाल तो रोज ही। अच्छा, ये बड़ा अजीब जी सूरत हाल है गांव दे विच, बकरा है ना बकरा, वो पूछो ना जी, वो आक्सन जी 40,000 से 35,000 ला दी। जहरन उसकी भी कोशिश होती है कि मैं इस पाले मेरे को पैसे ज्यादा आन, गाहक बेचारा बचत कर रहे होंगे। अच्छा, फिर वो जो मंडी से लेके आंदा है हूँ वो बाज का तो उस डाउन विकद है, पीछे आन के वो बेचारा शर्म तो दसा है कि मैं 40 दे आया। हाँ जी, इसी तरह ना। ठीक है, बहुत मेहरबानी। ठीक है भाई, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम भाई जान। के नाम है भाई जान थोड़ा? मेरा नाम राणा हाजी अब्दुल वहाब जी। राणा हाजी अब्दुल वहाब साहब कितों तशरीफ लेके आए हो? मैं कोर्ट से जी। अच्छा, तो केड़ी चीज बेचना आए हो? वैड के है जी। ए सामने जेड़े खलोते ने? हां जी, वैड के आ कट्टे आ कटियां है जी। अच्छा, वैड के कट्टे कटियां। हां जी, ते कितनी देर हो गई थी? सवेर के बैठे जी, हालात ही कोई नहीं जी। नहीं मतलब है कि तुसी एक के रेट ला रहे वैड का थोड़ा? जी हां जी हां। ए वैड का? ए वैड का। इसका के रेट ला रहे हो? इसका सिर्फ 1,20,000 रुपए मांग रहे हैं जी। 1,20,000 उसी मांग रहे हो? हां जी, असी मांग रहे हैं जी। आगे की जवाब आंदा? आगे 1,00,000 रुपए है जी, 98,000, 1,02,000 जी। अच्छा, हां जी। महसूस कर रहे हो कि करिए हालात? मैं तकरीबन जायजा लिया। हाँ जी, पूरा ध्यान इसी तरह ही है। वापस ले जरा मंजूर है जी, माल बेच के कौन जान लगे? हाँ जी, वापस ले जाएंगे माल, इतने पैसे दे के कौन जाने? और मंडी इधर उधर होने क्रास नहीं होंगी? मंडी क्रास पर जाएंगे, हर जगह जाएंगे जी। अच्छा, हाँ जी। इस साल रेटों का मसला है या पहले इस तरह होता है? नहीं, महंगाई की वजह से मसला बना हुआ है। अच्छा, महंगाई? महंगाई है जी, सबसे बड़ी चीज महंगाई है। अच्छा, महंगाई? महंगाई की वजह से जानवर की कीमत ज्यादा पड़ी है जी, कैरेज ज्यादा हो गए जी, डीजल पेट्रोल की वजह से। तो महंगाई किवें कंट्रोल हो सकती है? महंगाई तो अल्लाह कंट्रोल करे, हुकूमत कंट्रोल करे जी, करे साढ़े भी है ना। एक तुम रहते हो दुकान पर जी, पेट्रोल महंगा होता है 20-25-30 रुपए,
ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਦਲ ਤੋਰਦੇ ਆ ਜੀ ਡੰਡੇ ਪੈਦਲ ਨੇ ਉਹ ਆਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਾਰ ਉਹ ਬਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲਾ ਨਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਆਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਮਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤੇ ਅਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ ਇਹ ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ 5-5 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲਈ ਵਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਇਸ ਕੋਮ ਨੇ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਕਿਹੜੀ ਛਾਇਆ ਜਿਸ ਕੋਮ ਪਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਬਚ ਗਿਆ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪਹਿਲਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮਾ ਵਾਰਾ ਕਰਦੀ ਦੀ ਜੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਚਾਰ ਪਾਈ ਪਾ ਵਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਮਾ ਵਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆਏ ਖਲੇ ਨੇ ਵਿਕਣ ਇਹ ਸੁਬਹ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਫੀਸਦ ਵਿਕੇ ਹੋਣਗੇ 2% 3% 4% ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ 2% ਡੰਗਰ ਵਿਕਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ 2% ਵਿਕਿਆ 100 ਮਤ 2% ਉਹ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਅੰਦਰਾਤ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਵਿਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੋਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 40% ਤੋਂ 50% ਲੋਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੀਲ ਮੁਖਤਿਆਰ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ ਟਿੱਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਟਿੱਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਇਹ ਭੈਂਸ ਹਾਂ ਇਹ ਕੱਟੇ ਜੀ ਕੱਟੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੀ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹਾਲਾਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਮੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਦੋ ਹੈ 1.5 ਲੱਖ ਜੀ ਹਾਂ ਸੋ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਏ ਹੋ लेकिन खुद भी महंगाई की वजह ना देखो मेरी गल ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਹਾਂ ਹਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ 1500 ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਪਈ 2500 ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਮੁੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਪਈ 500 ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਕਲਾਮੀ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਤਲੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਪੈਟਰੋਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 25-30 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 50 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੋਨ ਜੀ 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 ਇੰਨੇ ਇਮਾਨ ਪਾਈ ਵਜਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਨ ਕਿਤਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ 50 ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਾਪਸ ਵੈਸੂ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਪਰਚੀ ਗਿਆ ਪਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਵਾਪਸੀ ਪਰਚੀ ਦਾ ਪਰਚੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 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 ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਅਗਰ ਨਾ ਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਖੂਬ ਸਾਲ ਮਾਰ ਮਿਲਦੀ ਕੁਛ ਡੰਡੇ ਖੱਲੇ ਦੇ ਰੇ ਡੰਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਹ ਕੇ ਖੱਲੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਪੁੱਛ ਅੱਛਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ 500 ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਵਿਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵਿਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਖੋਤਾ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ 500 ਦਾ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 12 ਤੇ 5 ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਸਜਦੇ ਕੀਤੇ ਆਂ ਤੇ ਦੁਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਿਪਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੇਟ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਗਿਆ ਜੇ ਜੂਸ ਅਲਦੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਗਿਲਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਿਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਗਿਲਾ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਾਕੀ ਦੁਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਆਦਲੇ ਉੱਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਾ ਗਿਲ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਬਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਬਤਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਨ ਗਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਅਰ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਅਸਾਂ
ਮਾਦਰਾ ਦਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਰਿਆਨੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਕਰਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਪਾਣੇ 3000 ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨੇ ਚੱਕਣ ਬੈਂਕ ਮਾਰਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੱਕਣ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛ ਬਈ ਕਿਤਨੇ ਬੈਂਕ ਮਾਰੇ ਨਾ ਬੈਂਕ ਚਲਵੇ ਨੇ ਵੈਸਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਛੋੜ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਵਾਮ ਇਹਨੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੁਪਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਪੁੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਪੁੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੇਣੇ ਪਾਰ ਪੁੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਵੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5-6 ਮਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-6 ਲੱਗਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂ ਮਾਂਝਵੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬਈ ਸਨ 5-6 ਕਿਉਂ ਮਰੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵਧਾ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਤਨੀ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਉਸ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਛਿੱਲੋ ਜਿਤਨਾ ਲੇਕਿਨ ਆਖੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਨੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਾਈ ਕਿਉਂ ਇਤਨੀ ਮੰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਸਾਲ ਸਾਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਲਿੰਕਾ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ناظرین آپ نے جیسا کہ دیکھا ہے کہ منڈی جو اس کا پورا جائزہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا مہنگائی بہت زیادہ ہے اور جو مال بیچنے والے ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں اور جو خریدار ہیں یعنی گاہک ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو تھی اگر آپ کو پسند ہے اس کو لائک اور کمنٹ کیجیے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ